बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है डॉक्टर इमरान खान दादा और आप देख रहे हैं मेडिकल एस्पायरेंट। स्टूडेंट, अब आज हम लोग अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा तीसरा फाइलम है और वो फाइलम है फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस जिसको मोस्ट कॉमनली फ्लेट वर्म्स भी कहा जाता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या उनके करेक्टर्स पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि स्टूडेंट, ये जो फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस की जो ट्रम है, प्लेटी और हेलमिंथिस दो ट्रम्स का कॉम्बिनेशन है। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, यानी कोई भी चीज़ फ्लैट हो, ठीक है, और हेलमिंथिस कहते हैं वर्म्स को या पैरासाइटिक वर्म्स को, ठीक है। हेलमिंथिस की ट्रम वर्म्स के लिए यूज की जाती है, तो मीनिंग बनती है फ्लैट वर्म्स। सबसे पहली बात है कि वाई दे आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। इनको फ्लैट वर्म्स कहने का एक ही मकसद है और वो ये कि देयर बॉडी, इनकी जो बॉडी होती है, द बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। दे पजेस डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी? मिसाल के तौर पे ये कोई एक एनिमल है, एनिमल का जो ऊपर का ये पार्ट होता है, जो बैक साइड होती है, ये डॉर्सल साइड कहलाती है, और ये वाली साइड वेंट्रल, तो इसका मतलब है हमारी ये बैक साइड डॉर्सल है, ये हमारा जो सीने या फ्रंट का हिस्सा है ये वेंट्रल कहलाता है, और इनकी जो बॉडी होती है डॉर्सल और वेंट्रल साइड से बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी बिल्कुल फ्लैट होती है, और इनके अंदर किसी भी किस्म की कोई बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए बिल्कुल ये चपटे होते हैं, जस्ट लाइक रिबिन शेप। रिबिन जिस तरीके से होती है ये उसकी तरह होते हैं, इसीलिए इनको फ्लैट वर्म्स यानी प्लेटीहेलमिंथिस कहा जाता है। और चूंकि इनका नाम प्लेटीहेलमिंथिस यानी फ्लैट वर्म है, तो मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो तमाम के तमाम फाइलम के, इस फाइलम के मेम्बर्स में सबके अंदर कॉमन होगा। तकरीबन 17,000 के करीब इनकी स्पीशीज़ मौजूद है और ये पैरासाइटिक प्रीडेटर भी होते हैं, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या अपने काम करते हैं। सबसे पहली बात है कि इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या है। फाइलम प्लेटीहेलमिंथिस के जनरल कैरेक्टर में सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि दे ऑल आर एसिलोमेट। एसिलोमेट द एनिमल विदाउट बॉडी कैविटी। अब ये क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अपने पिछले लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ा था ना कि क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी, सिलोम की बेस पर क्लासिफिकेशन, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। तो बॉडी कैविटी के अतबार से ये एसिलोमेट है। इसके अलावा इनकी सबसे एक अहम बात ये कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। Now what is triploblastic animal? The animal having three germ layer, ectoderm, mesoderm, endoderm. इसका मतलब ये हुआ कि germ layer की बेस पे जो हमने क्लासिफिकेशन सीखी थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये triploblastic animal होंगे और इन triploblastic animal के अंदर तीनों germ, तो triploblast का पहला फाइलम आ चुका है हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद तीसरी अहम खास बात है कि दे आर bilaterally symmetrical animal, यानी सिमेट्री की बेस पर जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी वो बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल है, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बायलेटरली ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। यानी अगर आप इसको बीच में से ऐसे कट करेंगे तो दो राइट और लेफ्ट साइड जो उसके बनेंगे वो आइडेंटिकल हाफ बन जाएंगे बिल्कुल। तो दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एनिमल हैविंग टू आइडेंटिकल पार्ट्स। इसके अलावा ये जो एनिमल है इनके अंदर इनके साइज़ के अतबार से भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और कैसे डाइवर्सिटी पाई जाती है कि दे आर फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक अप टू द 20 meters, यानी माइक्रोस्कोपिक साइज़, छोटे में छोटा इनका साइज़ माइक्रोस्कोपिक है और बड़े से बड़ा साइज़ जो डिस्कवर हो चुका है 20 meter, जो कि काफ़ी ह्यूज यानी लंबा साइज़ है। इन एनिमल्स की सबसे अहम खास बात, ये वो एनिमल है जिनमें फर्स्ट टाइम हेड डिवेलप हुआ, तो ये हेड पजेसिंग एनिमल्स हैं, ठीक है। ये हेड पजेसिंग एनिमल होते हैं, तो वो तमाम एनिमल जिनमें हेड होता है उनमें सबसे पहले एनिमल ये थे, और यही वजह है कि उनको कहा जाता है कि वो तमाम एनिमल जिनमें हेड होता है उन सब एनिमल में सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स एनिमल ये हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स हेड वाले एनिमल जितने भी होते हैं कॉम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे सिंपल है हेड वाले एनिमल्स में, क्योंकि सबसे पहले हेड इनमें डिवेलप हुआ। अगर आपने फाइलम राइडेरिया देखा है तो उसमें हमने डिस्कस किया था नर्वस सिस्टम को, और उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि अगर नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है ना वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है हेड से, ठीक है। यानी अगर हेड होगा तो उसमें ब्रेन होगा और फिर उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम डेवलप होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें हेड है तो इट मीन्स इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इवॉल्व हो चुका होगा। जो हम सिस्टम डिस्कस करेंगे तो हमें उनमें सब चीज़ें मालूम हो जाएंगी।